स्वर कोकिला के नाम से मशहूर गायिका लता मंगेशकर नहीं रही मुंबई स्थित ब्रिज कैंडी अस्पताल में वो इलाज करवा रही थी। वहां के डॉक्टर प्रतीत समदानी ने बताया कि उनका इलाज काफी दिनों से अस्पताल में चल रहा था। उनके शरीर के कई अंग खराब भी हो चुके थे। आज सुबह 8:12 पर उनका निधन हो गया। लता मंगेशकर ने देशभक्ति गानों से लेकर फिल्मी गानों तक अपने संगीत से लेकर लोगों के दिलों पर राज किया है। आज पूरा देश लता मंगेशकर को याद कर रहा है और उनके करियर से लेकर निजी जीवन पर कई बातें हो रही हैं। इन चर्चाओं में उनसे जुड़े कई सारे तथ्य सामने आ रहे हैं। इसी बीच एक चर्चा उनकी संपत्ति को लेकर भी है। ऐसे में अगर आप लता मंगेशकर की प्रॉपर्टी के बारे में जानने के लिए इच्छुक हैं तो आपको बता दें कि लता मंगेशकर करोड़ों की संपत्ति की मालकिन होने के बाद भी सामान्य जीवन जीती थी। उनके साधारण व्यक्तित्व से भी उनकी खास पहचान रही है। तो जानते हैं स्वर कोकिला लता मंगेशकर के पास कितनी संपत्ति थी। जब लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर का निधन हुआ तो गायिका सिर्फ 13 साल की थी। उनके बाद उन्होंने कंधे पर परिवार की जिम्मेदारी ले ली। बचपन से ही लता मंगेशकर गायक क्षेत्र में आगे बढ़ रही थी और उनके पिता ही उन्हें संगीत की शिक्षा देते थे। ऐसे में उन्होंने कम उम्र में ही प्लेबैक सिंगर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था और कई मुश्किल का सामना करते हुए उनकी आवाज के दम पर उनकी खास पहचान बनाई थी। वैसे तो उनकी प्रॉपर्टी को लेकर कई तरह के रिपोर्ट है, लेकिन माना जाता है कि उनके नेटवर्थ $15 मिलियन यानी कि 111 करोड़ रुपए है। प्रोफेशन क्षेत्र में उन्होंने एक सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर काम किया है। हालांकि कुछ रिपोर्ट में उनकी संपत्ति 50 मिलियन तक होने का दावा किया जाता है। मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार उनकी मासिक इनकम 40 लाख रुपए और सालाना इनकम करीब 6 करोड़ रुपए रही है। माना जाता है कि उन्होंने अपने पिता के गुजरने के बाद अपनी मेहनत से काफी कुछ हासिल किया है। लता मंगेशकर के घर की बात करें तो वो प्रभु कुंज में रहती थी, जो इतना बड़ा है कि करीब 10 परिवार आराम से उस घर में रह सकते हैं और ये मुंबई में है। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने सबसे पहले शेर वेल कार खरीदी थी, जिसके बाद उन्होंने बंक कार खरीदी और अब उनके कारों में मर्सिडीज जैसी कारें भी शामिल है। लता मंगेशकर अपने गानों से सभी का दिल जीता करती थी, जिसके साथ ही कई सारे अवार्ड्स भी लता मंगेशकर जी ने जीते हैं। लता को साल 1969 में पद्म भूषण और 1989 में दादा साहब फाल्के अवार्ड और 1999 में पद्म विभूषण, साल 2001 में भारत रत्न और न जाने कितने सारे अवार्ड उन्होंने जीते हैं दोस्तों। पर आज इन सभी चीजों को छोड़ लता मंगेशकर इस दुनिया को अलविदा कह गई हैं। दोस्तों क्या कहना है आपको इस रिपोर्ट के बारे में, कमेंट के जरिए अपनी राय शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।